हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर दोस्तों मैं शिक्षा वृत्ति जुड़ी जानकारी आपके पास लाता रहता हूं। वर्ग तीन के आज एग्जाम है दोस्तों, और मुझे खुशी हो रही है ये बात आपके साथ शेयर करते हुए कि हमारे चैनल से जुड़े अतुल कुमार शर्मा परिवार के सभी सदस्यों ने बेस्ट किया है। मेरी मॉर्निंग में जितने भी लोगों से बात हुई दोस्तों, उन्होंने मुझे बताया कि हमारा स्कोर जो है 110 गया है, 115 गया है। दोस्तों ये बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि अधिकांशता जो अब सेकेंड शिफ्ट है उनमें मैंने लोगों से बात की तो बहुत से लोगों ने कहा कि सर 100 से लेके 105 तक जो है स्कोर लाना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। हालांकि 110 115 सेकेंड शिफ्ट में भी गया है दोस्तों। कैसे क्वेश्चन आए हैं उन्हीं पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोनों शिफ्टों की मैं क्वेश्चन कुछ लेकर आया हूँ, लेकिन पीएबी के अधिकारियों ने एक बात दोस्तों दोहराई थी, वो बात ये दोहराई थी कि हमने 6000 का प्रश्न बैंक तैयार किया, यानी उन्होंने 6000 प्रश्नों का बैंक तैयार किया है और हर एक शिफ्ट में 150 क्वेश्चन उसी में रैंडमली जो कंप्यूटर है वो सिलेक्ट करेगा अपने हिसाब से, जिसका किसी को कोई पता नहीं होगा कि किस शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आने हैं, और वो 150 क्वेश्चन जो होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। लेकिन हमें ये यहाँ से ज़रूर पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नया आया है, कौन सा जो विषय है वो टफ आ रहा है, जिस पर हमें अब ज़्यादा फोकस करना है। तो जो भी हमारे भाई बहन एग्जाम दे चुके हैं वो अपने नंबर भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपको याद हैं, क्योंकि अधिकांशतः लोग जो प्रश्न बताते बताते थोड़े भूल से जाते हैं, क्योंकि एकदम से एग्जाम देकर निकलते हैं और फिर उनसे एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन ही उन्हें याद रह पाते हैं। फिर भी जो भी हमारे पास डाटा आया है उसके हिसाब से मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि वर्ग तीन का एग्जाम जितना कठिन आप समझ रहे थे उतना कठिन है नहीं, स्कोर किया जा सकता है। और यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा कि आपने यदि रट्टा मारा है तो फिर समझो कि थोड़ी सी वहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्यों हो सकती है वो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा, लेकिन यदि आपने समझा है, समझकर पढ़ा है, तो आपके बेस्ट स्कोर आएंगे ही आएंगे, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि संस्कृत के भाई बहन थे वो कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे विषय में भी बताएं। दोस्तों हम चारों ही लैंग्वेज ले लेते हैं, आपकी हिंदी ले लेते हैं और इंग्लिश ले लेते हैं और संस्कृत या उर्दू, ठीक है। तो इसमें आपका जो पाठ्यक्रम था वो 15 नंबर का आपका जैसे हिंदी आना था, फिर उसका ही शिक्षा शास्त्र आना था, ठीक है, तो वो आया। इसके अलावा 15 नंबर का जो था इंग्लिश की पेडागोजी आनी थी, और 15 नंबर का जो था सीन या जो भी आपकी पोइट है वो आनी थी, ठीक है दोस्तों, यही था, पोइट्री आनी थी और आपका अनसीन आना था, ये 15 नंबर का, उसी में से क्वेश्चन बनाए गए थे। और बात करें आपकी हिंदी की तो गद्य और पद्य 15 नंबर के हैं, उसी में से क्वेश्चन बनाए गए, उसी में ग्रामर थोड़ी सी पूछ ली गई, ठीक है, ग्रामर ज़्यादा डीपली नहीं पूछी गई। तो सबसे ज़्यादा स्कोर किया है वो लैंग्वेजों में किया है, ये आप मान के चले। संस्कृत में भी थोड़ा बहुत व्याकरण आया है आपके, जो भी पूछा गया उसी में से आपको आंसर देना है, तो संस्कृत वाले घबराए नहीं, क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, क्योंकि जितने भी मेरी बात हुई ना तो शायद एक स्टूडेंट मिला है जिसने द्वितीय भाषा संस्कृत ली है, नहीं तो सब हिंदी इंग्लिश वाले ही मिले। तो हिंदी इंग्लिश का तो डाटा बन गया, लेकिन संस्कृत के जो था एक भाई मिले, उन्हें भी कुछ खासा याद नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन उन्होंने कहा कि बेसिक ही आए थे सर, संस्कृत की जो भी बेसिक्स होती हैं, जो भी आपके व्याकरण होती है बेसिक आई, बहुत बेसिक व्याकरण, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर जैसे कि हिंदी की बात करें तो प्रत्यय आपने याद कर लिए, तो प्रत्यय कैसे लगाया जाता है, विशेषण होते हैं, या मतलब बहुत सारे हैं, अलंकार हिंदी में अलंकार पूछे गए। हिंदी की बात करूँ तो सुबह की शिफ्ट में कृष्ण भगवान के जीवन के ऊपर एक जो कहें कि गद्य आया था पूरा की पूरा, और उनके विषय में पूछा गया था, अलंकार भी पूछे गए क्योंकि कविता आएंगी तो उसमें उस हिसाब से। तो ये हो गई आपकी ग्रामर। तो सबसे ज़्यादा जो आपके नंबर बने हैं वो लैंग्वेज में बने, ठीक है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों लैंग्वेज की जो पेडागोजी है यानी शिक्षा शास्त्र है, चारों को ही मैं बता रहा हूँ, चाहे संस्कृत ली हो, चाहे आपने हिंदी इंग्लिश उर्दू कुछ भी, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज, उसमें ये कहा गया दोस्तों कि जो रट के गए थे, मैंने कहा था ना रटने वाले जो हैं यहाँ पर मुश्किल में पढ़ने वाले, शिक्षा शास्त्र जो था आपकी समझ पर बेस पर आधारित था। यदि आप भूल जाओ, आपने कुछ भी रटा हो, कुछ भी पढ़ा हो, क्वेश्चन वहीं की वहीं बन रहे हैं, उसी में से उसी का आंसर आपको देना पड़ रहा है। शिक्षा शास्त्र की हम बात करें दोस्तों, बाल विकास की बात मैं अलग से करूंगा, लेकिन जो शिक्षा शास्त्र है
जो कि आपके पर्यावरण का 10 नंबर का शिक्षा शास्त्र हो गया, 15-15 नंबर का सब में ही आया, मैथमेटिक्स हो गया आपकी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज, उसमें समझ पे आधारित है। यानी कि आप बच्चों को कैसे सिखा रहे हो इस पर आधारित है दोस्तों। तो आपने बेसिक पढ़ा है, बेसिक, कोई ऐसा नहीं कि डीपली आपने शिक्षा शास्त्र रट रखा है और बहुत हाई फाई पढ़ रखा है तो आप अच्छे नंबर ले, वहाँ पे मुश्किल है। लेकिन आपने बेसिक पढ़ रखा है, नॉर्मल रूप में पढ़ रखा है, सिर्फ समझ रखा है, आप उसमें अच्छे नंबर ले आओगे। तो यही कारण है कि फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में, चाहे शिक्षा शास्त्र की बात करूँ और चाहे आपकी जो भी हिंदी में गद्य पद्य हो गए, इंग्लिश में हो गए, इंग्लिश की भी बहुत साधारण ग्रामर, ग्रामर जो है यहाँ पर मैं कहूँ कि ना के बराबर तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि 8 हिंदी में शायद 6-7 क्वेश्चन ग्रामर से भी आए थे उसमें गद्य पद्य में से, तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन बेसिक ग्रामर, बेसिक व्याकरण, कोई भी इसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ पर बेस्ट स्कोर कर ले गए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके जो है बाल विकास की। बाल विकास का ये बताया जा रहा है दोस्तों कि वो भी बेसिक जो भी आपकी समझ उस पर ही आधारित है, लेकिन थोड़ा सी टेट से मिलता जुलता बनाया है इन्होंने। हालांकि पीएबी को आप जानते हो घुमाकर पूछता है, तो वो ये भी कह रहे थे कि सर सी टेट में तो ऐसा है कि आप रट के भी जाते हो तो मिल जाता है आंसर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने घुमाया है। तो बाल विकास थोड़ा सा घुमा हुआ है, मुझे इसका अंदाजा था वर्ग दो से। मैं हमेशा आपको हर एक वीडियो में कह रहा था बाल विकास अच्छे से पढ़ के जाना, वर्ग दो में सबसे ज़्यादा नंबर बाल विकास में कटे, तो यहाँ भी वही हुआ है कि बाल विकास जो है थोड़ा सा घुमाकर पूछा है। जैसे कि जीन पियाजे से संबंधित आज बहुत सारे सवाल आए थे, जैसे हम डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ मैं सवाल लिख कर लाया हूं, जो भी आ जाए। तो जीन पियाजे हैं उनका आप पढ़ के जाएं, और भी जो वैज्ञानिक है, क्योंकि जीन पियाजे तो आज पूछ लिया, कल को दूसरा वैज्ञानिक पूछ लें, है ना। तो इस हिसाब से तो फर्स्ट शिफ्ट हो सेकंड शिफ्ट हो, ऐसे प्रश्न घुमाए गए बाल विकास में। तो बाल विकास में भी नॉर्मली आदमी की मतलब ये है कि सामान्य ही उनके नंबर आए हैं। यदि 30 का बाल विकास है तो 15-16 नंबर तक तो लोग लाए ही लाए हैं, लेकिन हाँ घुमाया है। अगर तुम आपको मैं कहूँ कि 20 नंबर लाने हैं बाल विकास में या 25 नंबर लाने हैं, तो आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा और जो सी टी एट की तर्ज है उसके हिसाब से समझने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 2011 में एग्जाम हुए थे वर्ग 3 के, अभी हो रहे हैं, तो पैटर्न उस हिसाब से पकड़ नहीं पाओगे। तो सी टी एट का थोड़ा सा आपने एग्जाम दिया तो उसका पैटर्न मन में बना के रखें, और बेसिक जो है समझ के रूप में आधारित ये था दोस्तों। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो घुमा हुआ आया है, सबसे ज़्यादा जिसमें नंबर कटे हैं, वो है आपका पर्यावरण। पर्यावरण का जो था दोस्तों अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन, वो कम से कम 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए गए पर्यावरण के, तो उस हिसाब से पूरा की पूरा घुमा दिए गए। यहाँ पर आपको अब ज़्यादा फोकस करना है तो वो पर्यावरण पे करना है, अंतरिक्ष, जैसे कि मंगलयान पढ़ लें आप, चंद्रयान पढ़ लें आप, इसरो के पढ़ लें कि उन्होंने क्या क्या भेजे हैं, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि जंगल से क्या फ़ायदा, यदि जंगल कट रहे हैं तो उनसे क्या नुकसान, ये आपके जो है दोस्तों पर्यावरण में पूछा गया है। इसके बाद अंतरिक्ष के सैटेलाइट, सैटेलाइट से संबंधित दोस्तों कम से कम बहुत से लोग बता रहे थे कि 8-9 क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट में, और ऐसे ही आपकी जो इवनिंग की शिफ्ट है उसमें भी क्वेश्चन जो है आपके पर्यावरण में घूमे हुए आए थे। तो पर्यावरण यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो लेवल होता है ना, जो हम वर्ग 3 लेवल कह रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर कर दिया उन्होंने, वहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है अब बाल में जो आपका पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उस पर फोकस करना। क्योंकि हम बेसिक समझते थे कि ये नदी है, पहाड़ है, ये अभ्यारण है, इनके विषय में पूछेंगे, लेकिन वो अब अंतरिक्ष में पहुँच चुके, और अंतरिक्ष का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम मैथ की बात करें दोस्तों, तो मैथ में सबने बेस्ट किया, मैथ की आपकी शिक्षा शास्त्र हो बेस्ट किया है, बेसिक मैथ आया है, भिन्न आई है, आपके दशमलव के प्रश्न आए हैं, एक जैसे आया है कि एक, जैसे कि मैं उदाहरण दे दूं, एक पंक्ति में जो है 50 लड़कियां बैठी हैं और 60 लड़के बैठे हैं और 25 उसमें से उठकर चले गए, तो दो तुम कितने बचे, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके आंसर दे दोगे। मतलब बेसिक मैथ, जो कि हम कहते हैं कि पहले क्लास का मैथ होता है या फिफ्थ क्लास का मैथ होता है, वही आया है, तो उसमें तो सबने बेस्ट किया, बेसिक मैथ कोई दिक्कत नहीं, बेसिक भिन्न आ गई आपकी, ये सब चीज़ें, ठीक है दोस्तों।
तो बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, दशमलव, ये सब है ना, चंद्रयान वगैरह, ये थोड़े से आपको पढ़ के जाने होंगे। इसके बाद दो भिन्न में छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, रेखा गणित या नहीं पूछा गया, कोण मोण कुछ भी नहीं है, ठीक है। विभाज्य से संबंधित प्रश्न आ गए थे, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न आ गए थे, ब्याज में आज के प्रश्न नहीं आए, तो प्रतिशत के संबंध में आए तो प्रतिशत थोड़ा पढ़ लेना, ब्याज में आज से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। इसके बाद जैसे कि अधिगम क्या होता है, इसमें जो प्याज जीन प्याजे हैं उनका क्या सिद्धांत है, उन्होंने क्या कहा, सीखने की विधियों पर उन्होंने क्या कहा, ये सब क्वेश्चन जो थे प्याजे संबंधित आए थे। इसके बाद बाल विकास मैंने आपको बताया, अंतरिक्ष, पर्यावरण और सैटेलाइट, ये आपको पढ़ना ही है दोस्तों, रॉकेट हो गया, मंगलयान हो गया, ये सब आपको पढ़ना है, वन कटाई से क्या नुकसान है, ये सब आपको पढ़ना है, तो ये सब और जो भी वैज्ञानिक दिए हैं वो आपको बेसिक पढ़ना है। अब यहाँ पर आप यदि नंबर अच्छे लाना चाहते हो, क्योंकि मैं फर्स्ट और सेकंड से दोनों का ही आपको बता रहा हूँ, यदि आप अच्छे नंबर लाने चाहते हो तो पर्यावरण का अंतरिक्ष सही से पढ़ लेना, उसका आप सबसे लास्ट पॉइंट जो है आपके पर्यावरण में पाठ्यक्रम में वो अंतरिक्ष से संबंधित ही है, तो उसे ध्यान से पढ़ लेना कि इसमें क्या क्या, और उसी हिसाब से तैयारी करके जाना दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण यहाँ पर टफ कर दिया, वो 20 नंबर जो है ना पर्यावरण के, जो उसकी पैडागोजी है 10 नंबर की, वो तो आप कर लोगे हर, लेकिन जो 20 नंबर है ना उसमें नंबर लाना मुश्किल पड़ रहा है, ठीक है। मैथ की चिंता ही मत करो, मैथ तो इतना सरल आ रहा है कि आप तैयारी ना भी करो तब भी बेस्ट ले आओगे, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रॉब्लम दिख रही है वो पर्यावरण में, और एक सब्जेक्ट आपका पकड़ा हो गया वो हो गया पर्यावरण, क्योंकि थोड़ा सा टफ बना दिए, वर्ग तीन के हिसाब से तो थोड़ा टफ है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट वगैरह जितनी गहराई से पूछ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो गया। अब मैं कहूँ कि उस लेवल का हो गया तो बहुत से लोग कमेंट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बेस्ट करें दोस्तों। हालाँकि एग्ज़ाम जिनके 110 नंबर वालों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर बहुत सरल आया, बेसिक आया, और जिनके नंबर 90 आए हैं या 90 आए हैं या 75 आए हैं, 80 आए हैं, उनसे मैंने कहा तो सर एग्ज़ाम कठिन आया, तो मुझे परिभाषा यही समझ में आई कि जिनके अच्छा चला गया उनके लिए एग्ज़ाम सरल था, जिनके लिए ख़राब चला गया उनके लिए एग्ज़ाम कठिन था। बेसिक वही है पढ़ाई, पढ़ाई का अंतर ही होता है। अब जो ये इंसान 115 ला रहा है वो भी पढ़ाई है वो विषय से, और जो 90 ला रहा है या 95 नंबर ला रहा है वो भी उसी हिसाब से पढ़ा है, तो पढ़ाई पढ़ाई के डिफरेंस हो जाता है, तो वो एग्ज़ाम कठिन या सरल हो जाता है दोस्तों। तो बेसिक देखा जाए, बेसिक रूप से देखा जाए तो इन जो एग्ज़ाम है वो सरल है। यहाँ पर मैथ सरल आया है, लैंग्वेजें सरल आई हैं दोस्तों, जो शिक्षा शास्त्र है वो बिल्कुल सरल आया, आपकी समझ पर आधारित आया, यदि रट के जा रहे हो तो दिक्कत है, यदि समझ के जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा जो है बाल विकास, बाल विकास थोड़ा ट्रिकी आ रहा है, और वो आदत है, आप जानते हो पीएबी की आदत ही है कि ट्रिकी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं, कि इंसान वैसे ही डरा होता है और डर जाता है, तो वहाँ डरे नहीं बिल्कुल, कौन अपना जो आत्मविश्वास है वो बना के रखेंगे ना, तो वो 30 में से भी आप बेस्ट कर ले जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत गहराई से पूछ लिया गया या थोड़ा घुमा दिया गया, क्योंकि वर्ग दो में आप स्वयं जानते हो इस बात को घुमाते ही, तो वो और ओवरऑल जो है 115 नंबर अभी तक हाईएस्ट मुझे, हमारे जो भी चैनल से जुड़े उनके अब इससे भी ज़्यादा आए होंगे, हो सकता है, क्योंकि अच्छे अच्छे पढ़ने वाले हैं, बहुत से लोग यूपी टेट में अच्छा करके आए, जो रीट है उसमें अच्छा करके आए, तो इसमें उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। जैसे जो 115 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, वो बहन है राजस्थानी सा, कोटा से हैं वो बहन, तो उनके 115 नंबर आए, और उन्होंने रीट में भी दिया था, तो उसमें भी शायद उनके 122 नंबर के समथिंग कुछ आए थे, तो उस हिसाब से पढ़ाई अच्छी है उस हिसाब से, तो ऐसे तो कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब बेसिक ये है कि बाल विकास पढ़ रहे हो, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज निकाल ले जाओगे, अगर ना भी पढ़ो ना तब भी आप अच्छा कर ले जाओगे, पर्यावरण को पकड़ो, मैथ की चिंता मत करो, मैथ बेसिक ही आएगा, बेसिक मैथ आपने पढ़ लिया, दशमलव के जोड़ होगा ये कहाँ तक, ये तो बेसिक ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी का आपको अब क्या पढ़ना है, ग्रामर है, ग्रामर व्याकरण जो हो गया वो बेसिक है, आपने इतने दिनों से पढ़ की, पर्यावरण को पकड़ो क्योंकि वहाँ नंबर कट रहे हैं, तो उसमें बेस्ट करना है। पर्यावरण पकड़ लिया आपने, शिक्षा शास्त्र सामान्य आ रहा है, बाल विकास पकड़ लिया, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज तो अच्छा कर ही लोगे, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, और जो मेरा वीडियो देख रहा है 100% वो अच्छा करेगा। सो
करो, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। और जैसे ही इससे एक मैं और सोच रहा हूँ कि जो क्वेश्चन होते हैं उनके आसपास के जो भी क्वेश्चन मुझे मिलेंगे ना, मैं आपको दे दिया करूँगा। तो उससे क्या रहेगा, जैसे हमने अंतरिक्ष के संबंध में और पाठ्यक्रम को देखना है। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ने बैठ जाओ, पाठ्यक्रम को देखना है, कहाँ से कहाँ से पूछ रहा है उसमें, वो आंतरिक से मैच हो रहा है उसी क्वेश्चन को, दोस्तों जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें और हो जाएगा। ऐसा कठिन एग्ज़ाम नहीं है। हाँ, नंबर जिनके कम आए हैं वो कहेंगे सर कठिन ही आया, लेकिन ये है कि जिनके नंबर अच्छे आए उनके लिए सरल आया। हम बीच का मध्यम मार्ग पकड़ के चलते हैं, ना एग्ज़ाम कठिन था ना सरल था। हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी बेस्ट है, हमारी जितनी भी तैयारी उस हिसाब से हम बेस्ट करेंगे और फिर भगवान के हाथ में छोड़ देंगे। जो भी उनका वो भी हमारी मेहनत देख ही रहे हैं, आप लोगों की मेहनत देख ही रहे हैं, बाकी क्यों उनके हाथ में छोड़ देते हैं। हमारा कर्म है मेहनत करना और अच्छे से एग्ज़ाम देना, वही आपको करना है दोस्तों। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए अपने तक कितनी समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।